अफसर साहबान निर्देश कर दिए गए उन्होंने कार्रवाई भी होगी। तो जे वो फिर भी टैक्स तो बिना दौड़े तो वह बसा इंपाउंड की जाएगी बनते उन्हों तो जुर्माने। एक प्राइवेट घराना न्यू दीप वाले उन्हों तकरीबन ही वायरल होंदिया रहिंदियां वीडियो वो पी आर टी सी रोडवेज दियां बसां नूं उन्होंने ड्राइवर ते कंडक्टर ते नाल उन्होंने मालक भी टांगे परेशान करते। जिहड़ी धक्केशाही पहलियां सरकारां तों हां कर ली है जदों तुहाडियां सरकारां आईयां वो काम हुण नहीं चलने ते ना ही चलन देने आ। जिहड़ी गल अगे मुश्किल आउंदी सी लोक कहिंदे वी न्यू दीप वाले आर टी ओ दफ्तर ही पक्के रहिंदे आ, असीं इत्थे आए वाकई आर टी ओ दफ्तर इत्थे पक्के ही बैठे, असीं नहीं सद्दिया। रवायती पार्टियां ने कब्जे किए ना आर टी ओ दफ्तर ते, बस अड्डियां नूं इन्हां ने कब्जे किए आ, हरेक चीज़ नूं इन्हां आपदी जगीर समझिया। सत श्री अकाल, मैं रीना तिमान, तुसी देख रहे हो डी फाइव चैनल पंजाबी ते खबर बठिंडा तो लैके हाजिर हो। बठिंडा दे विच ट्रांसपोर्ट मंत्री दे वलों अचानक आर टी ए दफ्तर अते बस स्टैंड च छापा मारे गया, जिस दौरान उन्हां दे वलों देखा गया कि आखिर किहड़े किहड़े इत्थे खामियां पाईयां जा रही ने, जिस नूं लैके मौके दे अधिकारियों नूं भी भाजना पै गईआं। सो नज़र मारदे हां इन्हां तस्वीरां ते। कोई दिक्कत नहीं, बस कोई ड्राइवर कंडक्टर तंग नहीं करते, ठीक ਉੱਥੇ ही पत्रकार ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ट्रांसपोर्ट मंत्री ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ने कहा कि कुछ खामियां जरूर ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ दूर भी किया जाएगा। इस ਦੇ ਨਾਲ ही दूजे ट्रांसपोर्टरਾਂ ਨੂੰ पी आर टी सी ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਅਨਲੀਗਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਡੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ टैक्स तो बिना दौड़ने तो बसा इंपाउंड की जाएगी बनते उन्हों तो जुर्माने वसूले जाए। टाइम टेबल बड़ा रेट का चल रहा है जी पी आर टी सी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का, आए दिन इतने बस स्टैंड जाम कर दिया पी आर टी सी जे है, वो कहते बड़े घराने के ट्रांसपोर्ट साढ़िया बसा नहीं चलते। बिल्कुल, आ एक प्राइवेट घराना न्यू दीप वाले उन्हों तकरीबन ही वायरल होंदिया रहिंदियां वीडियो वो पी आर टी सी रोडवेज दियां बसां नूं उन्होंने ड्राइवर ते कंडक्टर ते नाल उन्होंने मालक भी टांगे परेशान करते। अज उन्हां नूं भी समझा दिता भी गां ये परेशानी ना आए, जिहड़ी धक्केशाही पहलियां सरकारां तों हां कर ली है जदों तुहाडियां सरकारां आईयां वो काम हुण नहीं चलने ते ना ही चलन देने आ। जिहड़ा भी कोई ट्रांसपोर्टर जां कोई गलत करेगा नियमां दे उल्ट जावेगा उत्ते बनदी कानूनी कार्रवाई करेंगे भावें कोई भी होवे। मतलब अज भी तुहानूं मिले आ न्यू दीप वाले तां ओह किसे आपदे विशेष मसले नूं लैके मिले जां तुसीं उहनां नूं बुलाया सीगा वी तुसीं धक्का कर रहे हो? वेखो जिहड़ी गल अगे मुश्किल आउंदी सी लोक कहिंदे वी न्यू दीप वाले आर टी ओ दफ्तर ही पक्के रहिंदे आ, असीं इत्थे आए वाकई आर टी ओ दफ्तर इत्थे पक्के ही बैठे, असीं नहीं सद्दिया, वो आप ही बैठे आ, कब्जा किया इन्होंने, रवायती पार्टियां ने कब्जे किए ना आर टी ओ दफ्तर से, बस अड्डियां नूं इन्होंने कब्जे किए आ, हरेक चीज़ नूं इन्हां आपदी जगीर समझिया। ते अज समझा दिता गया कि जे कोई काम कार फिर आना नजायज़ नहीं किसी नूं तंग परेशान करना, ते जे कोई तंग परेशान करू फिर उत्ते बनदी कानूनी कार्रवाई भी करांगे। आर टी ओ दफ्तर है जिहड़ा बवारदां च ही रहिंदा जी बठिंडे दा, एक एक नंबर दो दो व्हीकलां ते भी लाया कहिंदे अज तां लग ही जांदे आ, ये सब नंबर जिहड़े एक एक व्हीकल ते जां दो दो व्हीकलां ते एक एक नंबर लगा सब बंद होणगे। ये चलता रहा पिछले लंबे समय च, इन्हां दीआं सरकारां जो रहीआं फिर मनमानियां करदे रहे, वो सारा कोई बंद होवेगा। भुल्लर साहब तुहाडी जिहड़ी आम आदमी पार्टी सरकार दी पंजाब ट्रांसपोर्ट नूं लै के जी जनतक ट्रांसपोर्ट आ बहाली नूं लै के की पॉलिसी की है, रोडमैप की है तुहाडे कोल? देखो जी, इन्हां दे सारा ताणा बाणा ही विगाड़िया पिया, एक हुंदा ना तंद विगड़िया ताणा ही विगड़िया पिया सारा, जिहड़ियां पुरानियां सरकारां रहीआं आपदियां ते इन्हां दीआं बसां रहीआं ते आप ही ये टाइम टेबल बणाउंदे रहे, किसी नूं इन्हां ने कोई समझिया नहीं, वो सारा सिस्टम सैट कर रहे हैं, कुछ अद्धा क सैट हो गया, जिहड़ा कुछ रह गया वो भी सैट हो जूगा। हाई कोर्ट के टाइम टेबल पेश करता समा सारनी जी सही ढंग ना बना रहे हैं, ते जिहड़ी कोई खामी रहिंदी वह भी सैट कर। इस मौके पर पी आर टी सी यूनियन के आगू भी मौजूद रहे सन। अज एक खटड़ा बस का टाइम का रौला सी जी कोटकपुरे तो बठिंडे जी, वो संबंध के मैं इतने फोन करके बुलाया गया जी, जो इतने असं बैठे टाइम टेबल के बारे गल कर रहे तो कुदरती ट्रांसपोर्ट मंत्री ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ जी ने छापा मारे जी इतने आगे, तो उन्होंने वक् वक् ट्रांसपोर्टर जो बैठे थे उन्होंने पूछा जी, उत्तर न्यू दीप वाले पूछा भी तुम कौन, उन्होंने दस भी असं न्यू दीप बस के मालक हाँ, तो उन्होंने बड़े सख्त लहजे के मंत्री साहब ने उन्होंने कहा भी तुम आपकी गुंडागर्दी बंद करो,
तो तुम पी आर टी सी धक्का करते हो। फिर मैंने पूछा जी तुम्हें, मैं दसा जी मैं पी आर टी सी जो हाँ जी। फिर उन्होंने मैंने कल कल गल बारे पूछा जी कितने कितने थोड़ी प्रॉब्लम ने धरने मुजहरे होंगे इतने। फिर मैं सारिया गलों जो आर टी ए साहब दफ्तर के घपलेबाजियां परमिटा के तहत हुई टाइम टेबल के तहत हुई मैं दसिया जी अमृतसर तो लैके बठिंडे तक जो पंजाब रोडवे के टाइम मिस आ प्राइवेट ऑपरेटर के मूहे धक्के पाए हुए सानू पाउन नहीं देंगे। तो इस विषय में लैके जो मंत्री साहब न गलबात हुई बड़ी लंबी चौड़ी गलबात हुई मेरी, मैं जो जो गल्ला साढ़े ना धक्के छाइया हुई सारिया दसिया। तो उस तो बाद जो मंत्री साहब जाओड़े तो ट्रांसपोर्ट जो ऑपरेटर से साढ़े मेरे तो खफा हुए, मैंने कहते भी तू चौधर करना ज्यादा तो तू दस्या को मंत्री साहब। मैं जी असं न्यू दी बस देते उन्होंने जो मैं असं आख्या जो असं रोज़ आटे दिया धांधलियाँ रोज़ उजागर करते मंत्री साहब को, तो मैं किमें मुकर जा भी साढ़े ना कोई धक्का नहीं हो रहा। मैंने उन्होंने पूछा स्पैशल कि प्राइवेट ऑपरेटर थोड़े ना धक्की शाही करते हैं, मैं क्या जी हाँ जी बिल्कुल करते हैं, तो बहस बचाई हो रही भी तू साडे खिलाफ चल देंगा अभी तेन देख लाँगे अभी ये कर लाँगे। सरकार बदली है तो लगे भी कुछ बदलिया अज के जेने जिमें हिसाब ने अभी पिछले धरने लाए तो अब मंत्री साहब ने अचानक छापा मारिया तो लग रहा थोड़ा जहा भी बदलाव हो सकता हो जाए। बकायदा आर टी ए दफ्तर के जोड़े टाइम टेबल इंस्पैक्टर आ विक्की विवेक जी उन्होंने स्पैशल कह गया भी जिन्हें भी पंजाब रोडवे दिन मिस बसा वो पी आर टी सी रखो तो पी आर टी सी बिल्कुल धक्का नहीं होना चाहिए। जो भी यह चीज़ इतों तुम्हारे को परमिट या कुछ भी मंगते हो उन्होंने पहल के आधार पर मुहैया कराया। तुम अमृतधारी बंदे होंगे सोनू एक बंद ने आके बहुत ही भद्दी शब्दावली बोली सी जी तुम आप ही दसोगे की कहा वो सानू कहते भी तू बाली चौधर करता है साढ़े तेरी चौधर असं देख लाँगे जी। आ मेरे नाल इंस्पैक्टर साहब जसकरण सिंह भी सी मैं हो सकता भी मैं कोई कंप्लेट वगैरह से जैसे बंदे की गल करके उन्होंने विरुद्ध कोई कंप्लेट वगैरह शब्द कुछ और भी बोलिया जो आप नहीं सुन सको। मैं मेरे साथ मैं लगता भी कैमरे से बोलना ठीक नहीं। बलदेव जी की कुछ खामियां मतलब कि तुम देखे उसे की कुछ पाया गया पाया गया कि मतलब दफ्तर तो पहले तो दफ्तर नहीं खुला होया जी 331 नंबर कमरा तो उन्होंने मंत्री साहब ने जो पूछा भी कमरा नहीं खुला तो कहता जी मैं मंत्री साहब आर टी ए साहब की कोठी से बह के टाइम टेबल अभी बना रहे थे। तो मंत्री साहब ने कहा भी टाइम टेबल आर टी ए घर नहीं बह के बना दफ्तर से बह के बना तो टाइम सिर पर आओ ठीक। परमिटा बारे जी उन्होंने दसता जी रजिस्टर चेक कर लो इन्होंने जी गलत परमिट बने। चलो थैंक यू। सो दस दिए कि जदों की आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता के आई है उस तो बाद लगातार देखा जा रहा है कि मंत्री भी एक्शन मोड के नज़र आ रहे हैं जिथे इन्होंने वालों वक् वक् थावान से छापेमारी की जा रही है और अपने अदारे के मुताबिक उन्होंने सुधार करने की कोशिश उन्होंने वालों की जा रही है जिसके चलते ट्रांसपोर्ट मंत्री के वालों भी बठिंडा के बस स्टैंड अचनचेत छापा मारिया गया। बठिंडा तो सुखजिंदर मान के नाल कैमरामैन गगन विरक की रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। होएगी किसानां दी गल, नवी खेती मशीनां बीजां ते बागां दी गल लैके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद के हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com D5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो बैल आइकन ते क्लिक करो।